सकते हैं. ओके, व्हेनेवर वी आर एंगेजिंग इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चाहे वो बिजनेस के लिए हो चाहे वो पर्सनल के लिए हो, वी आर फेसिंग सम ऑफ द इशूज. कभी इशूज फेस करते हैं, कभी बहुत आसानी से भी हो जाता है. तो देर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द टेक्नोलॉजी. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली बिजनेस के बारे में सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं. ठीक है, अभी वो ऑनलाइन भी बिजनेस हो सकता है, हो सकता है हम लोग फेस टू फेस बिजनेस करें, हो सकता है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के आप बिजनेसेस इस चैप्टर में सीखोगे. ओके, सो फर्स्ट इज ई बिजनेस. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ई बिजनेस, तो ई बिजनेस रेफर्स टू द यूज ऑफ द फॉलोइंग टू कंडक्ट अ बिजनेस. हम लोग ये चीजें यूज करते हैं बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. कौन सी चीजें? एक तो वेब, दैट इज वेबसाइट. नेक्स्ट इज इंटरनेट. ओके, इंट्रानेट, दैट इज कंप्यूटर, जब हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. एक्स्ट्रानेट और इनका, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ई बिजनेस. ठीक है, ई बिजनेस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. अगर पूछा जाए कि ई बिजनेस जो है वो क्या होता है, किससे, किसकी हेल्प से कंडक्ट होता है, तो ये सब आपको लिखना है. ठीक है, वेब, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इनका कॉम्बिनेशन. हो सकता है वेब और इंटरनेट से मैं ई बिजनेस को कंडक्ट करती हूँ. ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया. ठीक है, इनकी वेबसाइट्स भी है, प्लस हम लोग इनका एप्लीकेशन भी है. तो इन दिस वे ई बिजनेस वो लोग कर रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ई बिजनेस इज बी टू बी. पहला कौन सा फॉर्म है आपका? बी to be, that is business to business. अब business to business का मतलब क्या होता है? Yes, answers in the chat box. अगर आपको मैं नाम से पूछूं, by the name, derive the meaning of it. What does it mean? Yes, full line of that is of clothes, full line of is of that is of jewelry market. लेकिन Walmart एक ऐसा मॉल है या फिर ऐसा रिटेल मार्केट है जहाँ पे सारे शॉप्स एक जगह पे हैं. ठीक है, सारे के सारे, और बहुत बड़ा वॉलमार्ट है. तो जब ऐसा कोई बिजनेस, बड़ा बिजनेस, तो उसको भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए होंगे, तो वो किसी और बिजनेस से लेता है. ठीक है, एट दैट टाइम दे आर डीलिंग इन दैट. तो ये होता है बिजनेस टू बिजनेस. जब एक बिजनेस दूसरे ही बिजनेस को ट्रांसफर करता है, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बी टू बी. ओके, बी टू बी फॉर्म ऑफ द बिजनेस. नाउ नेक्स्ट इज मीनिंग. ओके, पहले हम लोग मीनिंग देख लेते हैं. ई कॉमर्स, नो, नॉट चोर बाजार. चोर बाजार इज अ डिफरेंट थिंग, वॉलमार्ट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग. ओके, यस, हु विल रीड द स्लाइड. पहले हम लोग ई बिजनेस का और ई कॉमर्स का देख लेते हैं डेफिनेशन. यस, who will read the slide? Yes, Ishita, read. Meaning, the term e-business is derived from a terms email and e-commerce. Second, e-business or electronic business is the administration of conducting business via the internet. Third, this would include the buying and selling of goods and services along with providing technical or customer support through the internet. Fourth, e-commerce and e-business are not synonymous. Fifth, e-commerce refers the buying and selling of online, while e-business encompasses all business conducted online. Sixth, e-commerce is a branch of e-businesses. Yes. See, what is e-business? E-business is derived from the term email and e-commerce. ठीक है, e-commerce मतलब जो भी हम लोग buying and selling करते हैं with the help of internet. और उसी बाइंग एंड सेलिंग को हम लोग ईमेल से कनेक्ट करते हैं. दैट इज बोथ ईमेल एंड ई कॉमर्स हैव मर्ज्ड इनटू, और उसको बोलते हैं ई बिजनेस. ठीक है, ई बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस विया इंटरनेट. हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज विया इंटरनेट, हम लोग वी आर कंडक्टिंग द बिजनेस. एक पूरा का पूरा बिजनेस इंटरनेट के थ्रू चला रहे हैं, तो दैट इज ई बिजनेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. This would include the buying and selling of goods and services. हम लोग goods और services जो हैं वो online दे रहे हैं. अभी देखो, अगर मैं बोलूँ, अगर goods की बात करें तो Amazon वगैरह ये सब. अगर मैं services की बात करूँ, Urban Clap हो गया, service है एक. ठीक है, या फिर और कोई ऐसी service जो
हम लोग को ऑनलाइन मिलती हो, मैंने फोन किया और वो लोग हमारे घर सर्विस देने आ गए. सो दैट इज द ऑनलाइन सर्विस. अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग द टेक्निकल और कस्टमर सपोर्ट थ्रू द इंटरनेट, इंटरनेट से ही वो लोग हम लोग को कस्टमर सपोर्ट करें, टेक्निकल सपोर्ट करें. अब ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ सर्विस. तो मैं इंटरनेट के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ ना, इंटरनेट सबका ऑन है और इंटरनेट पे ही हमारा क्लास चालू है. सो ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस आर नॉट सिनोनिमस. सिनोनिमस मीन्स हैविंग द सेम मीनिंग, दे डोंट हैव द सेम मीनिंग. वाई? बिकॉज ई कॉमर्स जो है वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन होता है, लेकिन ई बिजनेस जो है सारा का सारा बिजनेस जो है ऑनलाइन होता है. चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे वो ऑर्डर करना हो, चाहे वो गुड्स को सेफली किधर रखना हो, वो भी पूरा ऑनलाइन ही होता है. तो सारी चीजें जो है ऑनलाइन होती है उसको ई बिजनेस बोलते हैं. लेकिन अगर सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन है तो उसको ई कॉमर्स बोला जाता है. सो ई कॉमर्स जो है वो एक ब्रांच है ई बिजनेस का. ठीक है, मतलब ई बिजनेस बड़ा कॉन्सेप्ट है. अगर मैं बोलूँ तो ई बिजनेस जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एज वेल एज उसके बाद आता है ई कॉमर्स. ठीक है, ई कॉमर्स जो है उसका एक छोटा ही ब्रांच है. ठीक है, अगर मैं पूछूं who has the wider concept, which concept is wider, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा वाइड कॉन्सेप्ट है ई बिजनेस और नैरोवर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो है ई कॉमर्स. क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स ई बिजनेस के अंदर ही आता है. सबको समझा इतना? यस. अभी जो हम लोग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की ई बिजनेस, जो हम लोग ने बोला जब टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एडवांटेजेस बता रहे थे, तो वन ऑफ द आपने एडवांटेज क्या बताया कि हम लोग इजीली कहीं भी पे कर सकते हैं. ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक ई बिजनेस ही है. अभी आप देखोगे तो जो स्कोप है ई बिजनेस का वो बहुत ही वास्ट है. हम लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, राइट? तो ये जो है ना वो सारे स्कोप ऑफ बिजनेसेस ही है. ठीक है, whenever I am saying the scope of e-business, it is quite vast. That is, सारा का सारा production, finance, marketing, personal, जो भी है, planning, organizing, जो भी हमने functions of management किए, जो भी है, planning, organizing, staffing and coordinating, all is going to be in the online. पूरा का पूरा online होने वाला है, तो उसको e-business बोला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे स्कोप ऑफ ई बिजनेस में यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट के, जियो मनी हो गया, फोन पे हो गया, BHMI हो गया, जीपे हो गया, पेटीएम, सो दीज आर, मोबिक्विक हो गया. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे ई बिजनेस को ऑनलाइन पूरा का पूरा कंडक्ट किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ई बिजनेस. टाइप्स ऑफ ई बिजनेस में क्या आता है, पहला हमने B2B देखा. ओके, जहाँ से देखो अभी यहाँ पे एग्जांपल है डेल और यूनिलीवर का. ठीक है, एक बिजनेस है डेल, दूसरा बिजनेस है यूनिलीवर. दीज बोथ आर द कंपनीज, दोनों ही कंपनीज हैं, लेकिन अगर किसी को एक को कुछ चाहिए प्रोडक्ट, तो वो दूसरे कंपनी से मंगवा रहा है, तो दैट इज B2B. ओके, दैट इज B2B, टू बी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग. नेक्स्ट इज बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, अब एक बिजनेस है वो कस्टमर को सेल कर रहा है, जो नॉर्मल एक बिजनेस में किया जाता है. ठीक है, हम लोग अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसको कस्टमर्स को जाके बेच के आते हैं, तो वो भी एक टाइप का बिजनेस ही है. तो बिजनेस टू कस्टमर. ठीक है, बिजनेस कस्टमर टू बिजनेस. अब आप लोग बोलेंगे मैम ये कैसे होता है कस्टमर टू बिजनेस. आप लोग देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है फ्रीलांसर का. ठीक है, आजकल एक बहुत ही नया टॉपिक है, दैट इज फ्रीलांसिंग. एनीवन नोज व्हाट इज फ्रीलांसिंग? Yes, किसी को पता है? नेक्स्ट इज कस्टमर टू कस्टमर. अब यहाँ पे कंज्यूमर से कंज्यूमर तक कैसे जाएगा? यहाँ पे देखो OLX है, OLX पे मैंने कुछ लिया था, अब मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं OLX पे डाल देती हूँ कि मुझे आई वॉन्ट टू सेल दिस थिंग. ठीक है, तो दैट इज फ्रॉम कस्टमर टू कंज्यूमर. ठीक है, कंज्यूमर से कंज्यूमर तक ट्रांजेक्शन जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ ई बिजनेस. सबको समझा इतना? यस. सी यहाँ पे जो है एक कंज्यूमर है, उसने वेबसाइट के थ्रू किसी एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, सो दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द टाइप ऑफ ई बिजनेस. ओके, यहाँ पे एक बिजनेस है, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट दे आर एंगेजिंग, दे आर कैरिंग आउट द ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस. एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स बिजनेस और गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट के साथ वो लोग कुछ ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दैट इज फ्रॉम बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन. एंड वन ऑफ द टाइप इज, अनदर टाइप इज कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन. ओके,
वी विल सी वन बाय वन, ओके, एक एक करके हम लोग सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस देखने वाले हैं, ठीक है?